मध्य प्रदेश में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होता नजर आ रहा है। कांग्रेस विधायक एनपी प्रजापति ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और ओबीसी आरक्षण जैसे कई मुद्दे हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी विधानसभा के मानसून सत्र में उठाना चाहती थी, मगर सरकार के पास जवाब नहीं था, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने विधानसभा का मानसून सत्र 3 घंटे में ही खत्म कर दिया, क्योंकि सरकार चर्चा से डर रही थी। इससे क्या महंगाई खत्म हो जाएगी? बताइए, ये जो बेफालतू के सगुफेबाजी करती है बीजेपी ना, कुछ महंगाई खत्म हो जाएगी? बलात्कार बंद हो जाएंगे क्या? विधानसभा पूरे 4 दिन चल जाएगी क्या? आदिवासियों को मान सम्मान मिल जाएगा क्या? नैमामर हत्याकांड में दोषियों को सजा मिल जाएगी? ये तो ऐसे मुद्दे उछालते हैं जिसमें ना पैसा, ना धेला, ना नियम, ना कानून, बस मुद्दा उछाल देते हैं, 2-3 दिन वही रोल होते रहते हैं। अरे धरातल पे आओ, अगर छाती है जैसी छाती और दम ठोक रहे थे, भारत में सबसे बड़ा महंगा मिट्टी का तेल, डीजल, रसोई गैस, पेट्रोल है, घोषणा करो कि जो 3 साल पहले 60 रुपए में, 4 साल पहले मिलता था डीजल, हम उतने में देंगे।